Hi friends, this is Ritika Pandey from RDM Academy. Now let's come into the question number 6. Now this question mein kya hai? 8x plus 4 equals to 3, x minus 1 plus 7. First of all, hume isko solve karna hai. So, 8x plus 4 equals to 3 into x is 3x minus 3 ban ja 3. एंड प्लस 7, ओके. अब हमें एक्स एक्स की वैल्यू एक साइड रख लेनी है. 8x यहाँ 3 प्लस में, यहाँ जाके माइनस में आ जाएगा, माइनस 3x इक्वल्स टू प्लस इक्वल्स टू माइनस 3. यहाँ साइन किसका है? प्लस का है 4 के साथ, वहां आने में माइनस हो जाएगा, माइनस 4 एंड प्लस 7. ओके, अब 8x और 3x माइनस हो सकते हैं. 8x माइनस 3x इज 5x इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस पर साइन माइनस का 7 पर साइन माइनस का एंड प्लस 7. सो 5x इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस 0. सो x इक्वल्स टू 0.5, which means 0. So हमारी x की वैल्यू निकल गई 0. अब हमें वेरीफाई करना है कि ये सही है या गलत है. LHS में वैल्यू कितनी दे रखी है? 8x plus 4. 8x plus 4. So 8, x की वैल्यू कितनी आई थी अभी? 0 plus 4. 0 plus 4, which means 4. अब हमें फाइंड करना है RHS. So हमने यहाँ पर अब ब्रैकेट खोल के जो हमने नीचे लिखा था, ये हमने ब्रैकेट खोल दिया था, इसका आंसर ये था. तो हम RHS में ये लिखेंगे 3x minus 3 plus 7. So now 3, x की वैल्यू क्या थी? 0 minus 3 and plus 7. So 0 and minus plus minus, 7 में से 3 क्या? 4, sin plus का equals to 4. अब यहाँ हमारा LHS की वैल्यू भी 4 आई है और RHS की वैल्यू 4 आई है. That means LHS is equals to RHS. Okay, so this was question number 6, and now let's come to the next question.